अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला मिठाई, जो मिठाई वालों की दुकान पर मिलती है। अब आपको मिठाई की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही चंद्रकला बनाएं। मेरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बनाते हैं चंद्रकला। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई नई रेसिपी देखने के लिए। चंद्रकला के लिए मैं यहाँ पर 150 ग्राम आटा ले रही हूँ, यानी मैदा, और ये 1 कप भर के है और 150 ग्राम है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 कप घी, ये देसी घी है, आप जो भी घी डालना पसंद करें वो डाल सकते हैं। मोयन के लिए है ये 1/4 कप है। 1/4 कप मैं पानी ले रही हूँ और इसमें भी आधा पानी डाल देते हैं और देखते हैं इसमें कितना पानी लगता है। अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं और इसका सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये डो बनकर तैयार है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए किसी गीले कपड़े से या किसी पॉलिथीन में करके रख देते हैं। बस इस तरह से पॉलिथीन में करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये मैंने पानी 1/4 कप लिया था और ये समझे कि ये आधा ही लगा है, आधा बाकी है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी है, तो आपके पास देसी घी 2 टेबल स्पून भर कर डाल दें या 1 कड़छी भर कर डाल दें। लो फ्लेम रखें और लो फ्लेम पर हम इसमें 3 चम्मच भर कर बारीक सूजी डाल देते हैं। हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट है, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये छोटा छोटा मैंने नारियल काट लिया है, थोड़ी ही 2 चम्मच चरंजी है, बादाम की 10 से 12 बादाम को कतरन में काट लिया है, और ये किशमिश है 10 से 12। और हमारी सूजी अच्छे से भुन रही है, आप चाहें तो सूजी डाल सकते हैं और नहीं तो खाली मावे से भी। और अब हम इसमें ये सभी मेवे डाल देंगे, इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भून लेंगे। अभी हम किशमिश बाद में डालेंगे, वो जल्दी फ्राई हो जाती है और फूलने लगती है। देखें ये अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें किशमिश भी डाल देते हैं। मेरे पास ये 100 ग्राम के करीब मावा है, इसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। बस अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, अब इसमें 1 चम्मच भर के चीनी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी और डाल सकते हैं, या चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे अपने आटे को देख लेते हैं। बस अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, बस इतने छोटे छोटे पेड़े हम इनके निकाल लेंगे। देखें बस ये छोटे छोटे पेड़े मैंने सब बना लिए हैं, अब इनको बना लेते हैं और इस तरह से ही दबा दबा कर, ये बेल ही नहीं जाती हैं, बस ऐसे ही हाथ से छोटे छोटे बना लेते हैं। बस मैं एक फिलिंग भर के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से 1 चम्मच हमने फिलिंग रख ली है और इसके चारों तरफ किनारों पर और
दूसरी वाली उठा करके हम इसके ऊपर चिपका देंगे। बस अच्छे से चिपका दें, जो इस खुले मत ये। अभी से आप चाहें तो इस तरह से भी मोड़ सकती हैं। बस इस तरह से सभी मोड़ती जाएं और इसको पैक कर दें। बस इस तरह से हमारी चंद्रकला बनकर तैयार है और सभी चंद्रकला को इसी तरह से हम बना लेंगे। अब इस तरह से ये मैं दूसरी बना रही हूँ, इसमें एक चम्मच से कम हम फिलिंग रख लेंगे। चारों तरफ किनारों पे हम पानी लगा देंगे। इसे ऊपर से रखकर अच्छे से चिपका देंगे। बस इसे इस तरह फॉग से चिपका देंगे। अगर आपसे किनारे वो मोड़ने नहीं आते तो आप इस तरह से भी इसको बना सकती हैं। ये देखें, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब मैं सभी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, सभी चंद्रकला बनकर तैयार हैं। इतने आटे में सिर्फ 7 चंद्रकला बनी हैं, जिसमें से 4 तो मैंने इस तरह से बना दी हैं और 3 इस तरह फॉक से डिज़ाइन करके बना दिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ फ्राई पैन में तेल रख दिया है और ये हल्का मीडियम गरम हो गया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम में डालना है। इस तरह से हम सभी को डाल देंगे इन्हें। अब ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी, हमें इन्हें छेड़ना नहीं है। जब ये ऊपर आ जाएंगी तब इनको पलट देंगे। अभी इन्हें लो आंच पर ही फ्राई होने दें। देखें, ऊपर आ गई है ये सब, सिक नीचे से सिक चुकी है थोड़ी। अब इन्हें हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पलट पलट कर सेक लेते हैं। देखें जी, बस अब इधर से पलट देते हैं, पलट पलट के इनको सेकते रहेंगे, अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। अभी थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। देखें, ये अब अच्छे से फ्राई हो गई हैं। चूल्हा बंद करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। अच्छा कलर आ गया है, या बस सूख जाते हैं। अब हम इनके लिए चाशनी तैयार करते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ एक भगोना ले लिया है, इसमें मैं 1/2 कप पानी डालती हूँ और 1 कप भर के चीनी डाल दी है। इसमें चम्मच चला देते हैं और इसे चीनी घुलने तक इसको पकने देंगे। और इसे हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है, तार वाली नहीं। देखें, बस चीनी घुल चुकी है, इसे 2-3 मिनट और पका लेते हैं। बस 2-3 मिनट और पक चुकी है ये, इसको अब बंद करते हैं चूल्हे को और इसमें अपनी चंद्रकला डालते हैं। चंद्रकला डाल देते हैं। चंद्रकला आप गरम गरम चाशनी में ही डालें। बस चूल्हा बंद करते ही आप इसमें चंद्रकला डाल दें, वरना चंद्रकला ठंडे चाशनी में सॉफ्ट हो जाएंगी। ऐसे पलट पलट करके बस अभी 2 मिनट में इनको निकाल लेते हैं।
बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखे जी, बहुत अच्छी चंद्रकला बनकर तैयार हुई है। आप मेरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप करेंगी तो अच्छी चंद्रकला बना सकेंगे। बस इस तरह से हमने पिस्ते से गार्निश कर दी है। तो जाएं चंद्रकला बनाएं, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।